फूड इज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट बटर। तो आप देख सकते हैं ये हाफ कप जितना पीनट बटर मैंने लिया है, और ये कप जो है वो चाय का कप नहीं है। दिस इज एक्चुअली जो नॉर्मल जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो हाफ भी नहीं, थ्री क्वार्टर कप है। तो यहाँ पे मैंने गैस जला के एक पैन रख दिया। ये ऑलरेडी रोस्टेड है, अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स हैं, तो इसलिए ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं। खाली इसका मॉइस्चर हटाने के लिए हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो ये जरा सा मॉइस्चर हट जाता है इसका, तो उसके बाद हम पीसेंगे इसको। विथ स्किन ही कर रहे हैं हम इसको, और क्योंकि वो जो कलर आता है पीनट बटर का वो इसकी वजह से ही आता है, स्किन की वजह से। तो रोस्ट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसको बनाते हैं आगे। देखिए मैंने ऑलमोस्ट एक मिनट के जितना ही इसको बस रोस्ट किया है, और इसका ऑयल अभी से निकलने लगा है, तो बंद कर रही हूं मैं इसको, और हम इसको जार में ट्रांसफर कर देंगे। ठंडा होना रख दिया है मैंने इसको, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो बस एक से दो मिनट इसको ठंडा होने देंगे, फिर बनाना शुरू करते हैं। लीजिए इसको हम जार में डाल रहे हैं और फिर पीस देंगे थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा दरदरा हो गया है, अब देख सकते हैं आप। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना नमक डाल रहे हैं हम, और इसको दोबारा थोड़ा सा पीसेंगे अब ढक्कन लगा के। देखिए ये और थोड़ा सा स्मूथ हो गया और थोड़ा पिस गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना गुड़। ये तो 1/4 है, हाफ ही डाला है हमने ताकि ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा बन गया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। ये देखिए आप देख सकते हैं ये अभी चिपकने लग गया है, इसका अपना ऑयल निकलने लग गया है। तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच जितना ऑलिव ऑयल डालेंगे। देखिए, और अब इसको दोबारा पीस देंगे। अब इसको जब पीसेंगे हम तो ये तकरीबन एकदम स्मूथ के साथ, आप देख सकते हैं इसका अपना कितना ऑयल छूटा। हमने तो बहुत जरा सा ही डाला था लेकिन ये कितना ऑयली हो गया। लेकिन अभी ये थोड़ा सा दरदरा है, आप चाहें तो इसी पॉइंट पे बंद कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा क्रंची चाहिए तो, नहीं तो आप इसको और भी पीस सकते हैं। हम इसको थोड़ा और पेस्टी करेंगे। देखिए अच्छा खासा स्मूथ हो गया, अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए पीनट बटर हमारा रेडी है, हमने इसको बॉटल कर दिया है। ये आपको बहुत थोड़ा सा दिख रहा है नीचे, क्योंकि हमने पीनट थोड़ा सा ही यूज किया था, अभी थोड़ा सा ही बनाया है, फिर हम और बना लेंगे जब हमारे पास और पीनट्स होंगे तो। बट ये इतना बटर भी हमारा कम से कम भी 4-5 दिन चल जाएगा आराम से, तो अभी इसीलिए थोड़ा सा बना के रख दिया है। आप भी ऐसे बनाइए। अभी मैं इसका ढक्कन इसलिए नहीं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये अभी थोड़ा गर्म है, पीसने से गर्म हो जाता है, तो जैसे ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बॉटल को ढक्कन बंद करके, और क्योंकि सर्दियां है अभी तो बाहर ही रख दूंगी, वरना आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो बनाइए इसको और बताइए कैसा लगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब को, अगर चैनल नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।
Thank you so much for watching. Please keep on coming back and we will get more new videos for you. Thank you. Bye-bye.